पशुपालन डेयरी विकास खेल और युवा कल्याण मंत्री सुनील केदार ने वेकोली प्रशासन को पार्शिनी तालुका के गुंडी गांव टेकड़ी जिनी कामठी घाट रोहना और वर्धा में पुनर्वास समस्याओं का तुरंत समाधान करने का निर्देश दिया। ये निर्देश मंत्री सुनील केदार ने वेकोली मुख्यालय नागपुर में हुई बैठक में दिए। बैठक में विधायक आशीष जायसवाल, जिला परिषद अध्यक्ष रश्मि बर्वे, वेकोली के मुख्य प्रबंधक मनोज कुमार, वेकोली के प्रशासनिक अधिकारी, अनुमंडल पदाधिकारी, तहसीलदार और गांव के सरपंच उपस्थित थे। बैठक की शुरुआत में गोंडेगांव और टेकड़ी के लंबित पुनर्वास मुद्दों पर चर्चा करते हुए मंत्री सुनील केदार ने वेकोली प्रशासन और राजस्व विभाग को पट्टों के आवंटन और अन्य मुद्दों के समाधान के निर्देश दिए। केदार ने CSR फंड के खर्च के संबंध में स्थानीय जनप्रतिनिधियों को विश्वास में लेने के भी निर्देश दिए। मंत्री सुनील केदार ने राजस्व विभाग को उन आम नागरिकों के घरों को स्वीकृत करने का प्रस्ताव प्रस्तुत करने का निर्देश दिया जिनके घरों को CSR फंड से पुनर्वासित किया गया है और उनके रोजगार और स्वरोजगार के लिए महाराष्ट्र सरकार की विभिन्न योजनाओं को लागू किया जा रहा है। जैसा कि सभी जनप्रतिनिधियों ने मांग की है कि पूरे घाट रोहना गांव का पुनर्वास किया जाना चाहिए, वेकोली और राजस्व विभाग को तुरंत उचित उपाय करना चाहिए और तुरंत गांव को जोड़ने वाली सड़क की मरम्मत करनी चाहिए। मंत्री सुनील केदार ने अतिक्रमण धारकों की उचित योजना बनाने के निर्देश दिए। मंत्री सुनील केदार ने कहा कि इसी प्रकार उपसमाहर्ता ने स्थानीय जनप्रतिनिधियों की बात सुनी और उन्हें पट्टों के आवंटन का प्रस्ताव वेकोली प्रशासन को सौंपने का निर्देश दिया। इसी प्रकार मंत्री सुनील केदार ने मॉनसून के दौरान वेकोली खदान के पास नालों और नालों की उचित व्यवस्था करने के निर्देश दिए। मंत्री सुनील केदार ने वेकोली प्रशासन को निर्देश दिया कि वेकोली खदानों के लिए जमीन लेने गए सभी भूमि पुत्रों को उनकी शैक्षणिक योग्यता के अनुसार रोजगार उपलब्ध कराए और पुनर्वासित गांव में उचित बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराए। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहड़ के साथ अभिषेक पांसे, BCN News नागपुर।